हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक्स टीम्स। तो आप लोगों के लिए आ गए भाइयों मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा MUR वर्सेस NWW के बीच 58 मिनट बाद T20 आयरलैंड लीग का। बहुत ही ज़बरदस्त मैच है। बात करूँ इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलने वाली चैनल पर, जिसका नाम है लेबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो फटाफट आकर इस पर जुड़ो। इधर मैं अपनी फाइनल टीम पोस्ट करने वाला हूँ। आज टीम ओपन दूंगा भाइयों, इन्जॉय करो ओपन टीम्स। एंड आप टीम देख सकते हो क्या फाड़ू दे रखी है अभी भी, और मतलब सबने जीतना ही है। चलते हैं आगे भाइयों। सबसे मेन मेरी ना बात सुनना है ध्यान से। MUR वर्सेस NWW जो एक मैच आप सब सारे लोग जानते हो कि ये जो मैच है आयरलैंड लीग का, काफ़ी बढ़िया मैच है और पिछली बार भी सारे जीते थे। और अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पे तो जुड़ जाओ। बात करूँ विकेट कीपर की तो डब्ल्यू स्मेल का, जैसे कि आपको बताया अभी इन टीम का 3 मैच हो चुके हैं। 3 मैच में बंदा बिल्कुल एवरेज खेल रहा है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर पॉइंट्स देता है। 12 पॉइंट 13 पॉइंट 12 13 पॉइंट कुछ भी नहीं होते। तो आपको मैं राय देना चाहता हूँ भाइयों, जैसे कि आपको पता है जो भी मतलब अगर डब्ल्यू स्मेल अगर बैटिंग करता है या फिर बॉलिंग तो करेगा नहीं, या फिर विकेट कीपिंग करता है या फिर विकेट लेता है, मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूँगा, आपका इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यू स्मेल सबका प्लेयर रहने वाला है। एन रॉक थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैं डब्ल्यू स्मेल के साथ जाने वाला हूँ। बात करूँ बैट्स की तो डब्ल्यू वाटरफील्ड भाइयों बहुत ही टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, अपनी टीम से ओपनर आता है। एक सेप्टेम्बर के मैच में जो कि हुआ था परसों, उसमें इसने 26 रन मारे थे, 2 चौके और 2 छक्के एंड काफ़ी जल्दी आउट हो गया था। आगे से बात करूँ एंस थॉम्सन की, तो एंस थॉम्सन जो कि भाई इस प्लेयर को मतलब मैं मजबूरी में रख रहा हूँ, मजबूरी कह सकते हो या फिर कह सकते हो सेफ के लिए, क्योंकि भाइयों प्लेयर की सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और चलने के चांसेस भी हैं। आगे से बात करूँ जे लॉलर की, जो कि अभी तक इसने 2 मैचेस खेले हैं। तो देखा जाए तो भाइयों 20 अगस्त और 1 सितंबर का जो मैच हुआ था, बीच में काफ़ी गैप था मैचेस में और बीच में कई मैच एबंडन भी हुए, तो लेकिन प्लेयर अच्छा वर्क करके गया। और आगे से बात करूँ आर हंटर की खासियत आपको एक मेन बताना चाहूँगा, इसने प्रीवियस मैच में टॉप ऑर्डर बैटिंग पे आ गया ये प्लेयर, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल रिपोर्ट गलत आ गई थी पिछली बार, उस कारण भाइयों मैंने इसको लिया नहीं, लेकिन इस बार मैं ट्राई करने वाला हूँ। बात करूँ ऑलराउंडर की तो जे गार्थ जैसे कि आपको सारे लोग जानते हो, 2 मैचेस में इस बंदे ने 79 पॉइंट दिए, जो कि भाई वो प्लेयर को सैल्यूट है क्योंकि जे गार्थ एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है। आगे से बात करूँ जी ह्यूम, मतलब अगर आप एक छोटा बच्चा भी टीम बनाएगा ना अगर, तो ये प्लेयर उसकी टीम में भी होगा, क्योंकि जी ह्यूम ऐसा प्लेयर है, जो लोग नहीं जानते एक बार इसका पिछले साल का स्टेटस देखो, अगर आप हैरान ना हो गए ना तो भाइयों मैं मान जाऊंगा, तो इतना टॉप का प्लेयर है जी ह्यूम। क्योंकि अगर समझो ये 0 पे आउट होता है अगर आज, तो भी भाइयों बॉलिंग पे ही फिर ये 0 पे दूसरों को भी आउट करेगा, आपको बता दूंगा। और अगर भाइयों विकेट नहीं लेता तो ये छक्के चौकों की बरसात कर देगा, ये ऐसा प्लेयर है। बात करूँ बॉलर की तो सी जोंग हर बार मेरी टीम में रहता है, कोई बात नहीं, फर्स्ट मैच में नहीं चला, लेकिन हर मैच में ऐसा कोई नहीं होता जो हर मैच में चले, लेकिन प्लेयर अच्छा है। आगे से बात करूँ ए मैकब्रिन की, प्रीवियस मैच में आप देख सकते हैं सिंगल विकेट प्लस 22 रन, और ए मैकब्रिन भाई ओपनर आ सकता है आज के मैच में ऐसा सुनने में आया है, या फिर वन डाउन। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा ए कोहली को, जो कि मैं आपको बताऊँ ये प्लेयर काफ़ी बढ़िया है, विकेट टेकर है। देखो यार जितने विकेट टेकर्स प्लेयर हो चुके ले लो। और आगे से बात करूँ एम फोस्टर भी काफ़ी बढ़िया है। बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मेरा रहेगा जी ह्यूम एंड वाइस कैप्टन डब्ल्यू पॉटरफील्ड। अगर NWW टॉस जीतती है तो वाइस कैप्टन मत बदलना, और अगर WWW लॉस हारती है तो मतलब टॉस हारती है, देन आप वाइस कैप्टन चुन सकते हैं भाई जे गार्थ को। बाकी मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।